तो हम बात कर रहे थे सिलेक्शन में, तो हमने बताया था आपको सिलेक्शन में कि स्टार्टिंग पे क्लिक कीजिए और शिफ्ट के साथ नीचे क्लिक कीजिए सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर माउस शिफ्ट की के साथ एरो की प्रेस कीजिए आपका सिलेक्ट हो जाएगा, ओके, या माउस से क्लिक करते हुए नीचे की तरफ आइए तो डेटा सिलेक्ट होगा। उसमें से पूरी रो सिलेक्ट करना है तो इस रो नंबर पे क्लिक कीजिए, पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। अब पूरा रो जो सिलेक्ट हुआ है, इसी को ऊपर की तरफ क्लिक करते ऊपर की तरफ बढ़िए, जहां तक जाइएगा वहां तक सिलेक्शन हो जाएगा। सेम कॉलम की बात करें, कॉलम के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगी आपकी। अब बात करते हैं कर्सर मूवमेंट की, कि डायरेक्ट कर्सर कैसे मूव करें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ A1 पे हूं और कर्सर को सबसे नीचे लेके आना है, कर्सर को सबसे नीचे लेके आना है, तो आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो सबसे नीचे आ जाएंगे एक बार में। मतलब कि ऐसे आप वन बाय वन करके आएंगे तो टाइम लगेगा, हजारों लाखों डेटा है तो काफी टाइम लगेगा। तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे और डाउन एरो प्रेस करेंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे। ऐसे लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे लेफ्ट में, अप करेंगे अप में, राइट करेंगे तो राइट में। इस तरह से अपने कर्सर को मूव कर सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए बहुत नीचे आप चले गए हैं, आपको लास्ट डेटा पे जाना है, तो आप कंट्रोल के साथ अप कर लीजिए, ऊपर जाइए अप एरो। होता है क्या सिक्वेंस, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे नंबर रखता हूं, मैं यहाँ पे आपको इसी बताने जा रहा हूँ, सीक्वेंस को मेंटेन करता है। तो इससे ऊपर का सीक्वेंस क्या है, ब्लैंक का है, और इसको क्या है, फिल का है। तो ब्लैंक और फिल दो चीज समझता है। अगर यहां से मैं डाउन कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करूंगा तो जहां पे ब्लैंक खत्म हो रहा है वहां पहुंच जाएगा, और यहां से मैं नीचे भी करूंगा जहां पे फिल खत्म हो रहा है वहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट कर्सर को हम इस तरह से कंट्रोल के साथ एरो की यूज करके हम कर्सर को डायरेक्ट जंप करते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम होगी अगर आपका कहीं ब्लैंक हुआ, जैसे मान लीजिए ब्लैंक है, तो जैसे मैंने बताया कि जैसे ही फिल का सीरीज खत्म होगा कर्सर रुक जाएगा, तो मैं यहां से अगर मैं कंट्रोल डाउन करूंगा तो यहां पे आके रुक जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट यहां से भी जा सकते हैं। जैसे मुझे A19 पे जाना है तो A19 क्लिक करूंगा मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए डेटा बहुत बड़ा है, पता नहीं है कि कितना लास्ट रो का नंबर क्या है, तो आप ऐसे ही A65,000 या कुछ ऐसी बड़ा अमाउंट डाल के नीचे चल जाइएगा, नीचे आ गए। अब कंट्रोल के साथ आप एरो यूज कीजिए, सबसे लास्ट पे पहुंच जाइएगा, ठीक है। किस केसेस में होगा, जो आपका डेटा काफी ज्यादा है और बहुत ज्यादा ब्लैंक सेल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार इसको एरो की प्रेस करना पड़ेगा, तो उस केस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डेटा आपको सिलेक्ट करना है तो आप इसको सिंपल सा Ctrl+A भी कर सकते हैं। Ctrl+A मतलब कि करेंट रीजन, एक Ctrl+A जो है आपके होम मेनू बार के यहाँ फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल के अंदर करेंट रीजन होता है, इसको ट्रिगर करता है। इसको यहाँ पर बोलते हैं कंट्रोल, मतलब कि यूज्ड सेल को सिलेक्ट कर लेता है। बट इसमें एक एक दो दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका बीच में पूरा का पूरा रो ब्लैंक हुआ तो ये ऊपर को ही सिलेक्ट करेगा, नीचे को नहीं सिलेक्ट करेगा, पूरा ब्लैंक होना चाहिए। मान लो बीच में कहीं एक जगह पे डेटा है तो फिर वो कंसिडर कर लेगा और उसको पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेगा। दूसरा, अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे आपने फालतू में कुछ कुछ लिखे हुए हैं तो Ctrl+A करने पे वो पार्ट भी सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो कंटिन्यूअस यूज्ड कॉलम को यूज करता है। हाँ, बीच में एक ब्लैंक होगा तो फिर नहीं हो पाएगा। तो रो एंड कॉलम दोनों पे ये अपना रूल को फॉलो करता है। तो उस केस में एक क्या करेंगे आप, मान लीजिए कि इस तरह से दिया हुआ है, Ctrl+A करते पूरा हो जा रहा है, क्योंकि तो आपको सिलेक्ट करना है बस हेडिंग भर का डेटा, तो आप स्टार्टिंग में कर्सर रखें, कंट्रोल के साथ शिफ्ट का यूज करें और फिर राइट एरो प्रेस करेंगे तो राइट में चले जाएंगे, डाउन एरो प्रेस करेंगे तो डाउन में चले जाएंगे विथ सिलेक्शन। मतलब कि विदाउट शिफ्ट के साथ अगर कंट्रोल एरो करते हैं तो इस तरह से होता है ना,
कर्सर मूव होता है, डाउन गया लेफ्ट गया डाउन गया, लेकिन इसी में अगर सिलेक्शन यूज कर लेते हैं, आप राइट करते हैं और डाउन करते हैं तो डेटा आपका सिलेक्ट हो जाता है। क्लियर है? हाँ जी सर। अब बात करते हैं कि मुझे पूरा डेटा सिलेक्ट नहीं, पूरी सीट सिलेक्ट करनी है, तो पूरी सीट सिलेक्ट करने के लिए वन और ए के ऊपर जो रेंगल है इस पे क्लिक करेंगे तो पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, या फिर दो बार कंट्रोल ए कर दीजिए तो पूरी सीट सिलेक्ट हो जाएगी। क्या सर एक बार रिपीट कीजिए? दो बार कंट्रोल ए, एक बार कंट्रोल ए करते हैं तो आपका डेटा सिलेक्ट हो रहा है ना सिर्फ, हाँ जी, एक बार और प्रेस कर देंगे तो पूरा सीट सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीपल सेल सिलेक्शन की। मुझे मान लीजिए मुझे कलर करना है, लेकिन कलर जो करना है पूरे डेटा को नहीं करना, कुछ कुछ डेटा को करना है, तो कंट्रोल प्रेस की रखिए और जहां जहां जो जो नंबर चाहिए उस पर आप क्लिक करते जाइए, इसको मल्टी सेल सिलेक्शन बोलते हैं। अब पूरे सेल में ये जो जो हाईलाइटेड दिख रहे हैं वही आपका सिलेक्टेड है, अगर मैं कलर अप्लाई करूंगा तो उतने एरिया में अप्लाई होगा। कंट्रोल दबा के सर? जी हाँ जी हाँ, कंट्रोल प्रेस कीजिए, कंट्रोल प्रेस रखिए, कंट्रोल प्रेस छोड़ना नहीं है, कंट्रोल प्रेस ही रखिए और फिर कंट्रोल प्रेस के आवर में जहां जहां भी आप माउस से क्लिक करेंगे वो एरिया सिलेक्शन में आ जाएगी। अब इसके ऊपर कोई भी जो भी फॉर्मेटिंग करना है बाकी चीजें करनी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी नहीं होगा, आप कॉपी करेंगे तो डेटा आपका कॉपी नहीं होगा। मल्टी सील सिलेक्शन में कॉपी करने का एक नियम होता है, जैसे कि हमने अगर एक सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको, तो सेम रो में हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये बस एक ही एक एक कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो एक कॉपी हो जाएगा, ठीक है, और हम कहीं भी पेस्ट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में, लेकिन पेस्ट कंटिन्यूस होगा, देखिए कंटिन्यूस हुआ। अब मान लो मुझे दो रो का डेटा डाउनलोड करना है, मुझे ए करना है, डी करना है और जी को करना है, सॉरी रो नंबर वन एंड रो नंबर फाइव को, तो अगर रो नंबर फाइव में हम ए को कर लिया और सी को कर लिया, डी को कर लिया, सॉरी एक कॉपी नहीं, क्यों? क्योंकि हमने ऊपर वन टू थ्री तीन कॉलम सेलेक्ट किए हैं तो नीचे दो ही किए हैं, तो तीन नीचे भी करना होगा, मैं सेम होना चाहिए और सेम रो होना चाहिए, जैसे कि आपने ए सी और ई कर लिया तो फाइव में भी आपको ए सी और ई करना होगा। अब इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। हेलो, यस सर। अब इसमें एक बात है कि मान लीजिए कि मैंने कुछ लोग ऐसे कर देते हैं कि मैं तीन कॉलम चाहिए, तो हमने ऊपर तीन सिलेक्ट कर लिए तो नीचे भी हमने दो तो कर लिया फाइव में और एक कर दिया सिक्स में, एक गलत हो गया, ये नहीं होगा, सेम रो एंड सेम कॉलम। अब दूसरी चीज आती है कि मुझे मतलब कि एक एक नहीं करना है, जैसे मुझे ए से ए बी सी करना है और फिर आपको एफ और जी करना है, तो मैं कंट्रोल प्रेस रखते हुए क्लिक करते हुए माउस को नहीं छोड़ूंगा, मैं क्लिक रखूंगा और ए सी पे चला जाऊंगा, फिर हम जी और एच पे आ जाएंगे, माउस को क्लिक रखते हुए आगे को ड्रैग, ठीक है जी। यहां पे कर्सर रखा, कंट्रोल प्रेस किया और हमने ए सी पे क्लिक, यहां पे हो गया, ठीक है, मल्टी सेल सिलेक्शन आ गई। अब इसमें जो है कुछ और भी है, जैसे कि यहां से कर्सर रखा हुआ है ना, कंट्रोल के साथ मैंने कंट्रोल एंड भी क्लिक कर दिया तो लास्ट यूज सेल पे आएगा, कंट्रोल एन सेल तो ए होना चाहिए, यहाँ पे क्यों जा रहा है, हमने यहाँ इस कॉलन में तो यूज किया है ना हमने, इसलिए यहाँ पे आता है, मतलब कि आपने अगर वैल्यू डेटा डिलीट भी कर दिया फिर भी वो लास्ट यूज सेल तक पहुंचेगा जहां यूज किया गया है, ठीक है, और कंट्रोल होम करते हैं तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है।
लेकिन सिर्फ मान लीजिए सिर्फ एंड करते हैं तो आपका कहीं नहीं जाएगा, आप कर होम करते हैं तो आपका, जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर है हमारा और मैंने इसको होम कर दिया, तो ए क्या होगा कि ऊपर में नहीं जाएगा, ए स्टार्टिंग कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। और पेज आप से पेज स्क्रॉल कर सकते हैं, क्लियर है? हाँ जी। चलिए अब डेटा एडिटिंग की हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई नंबर टाइप कर दिया, तो नंबर जो टाइप हुआ है वो टाइप हुआ है B4 में, ठीक है। अब मान लीजिए इस नंबर को कुछ चेंज करना है, मान लीजिए 4 के जगह 5 करना है, दो तरीका है। एक तो ऊपर जो फॉर्मूला बार दिख रहा है उसमें क्लिक कीजिए और आप चेंज करके टैब या एंटर प्रेस कर दीजिए, या दूसरा इसी पे डबल क्लिक कीजिए। और लेकिन ध्यान रखिएगा फॉर्मूला लगाते समय, फॉर्मूला क्यों लगाते हैं, कैलकुलेशंस के लिए। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 3 नंबर्स हैं और मुझे इनका टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए मैं दो चीज अप्लाई कर सकता हूँ। एक तो मैथमेटिकल सिंबल प्लस माइनस वगैरह इक्वल प्रेस करना होगा, तो इक्वल से आपका फॉर्मूला स्टार्ट होता है। अगर इक्वल नहीं प्रेस करेंगे तो समझ जाएगा कि कुछ टेक्स्ट एंट्री है। इक्वल प्रेस करने पे फिर आप वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हो, B4 प्लस C4 प्लस D4 जी। या फिर आपको एक्सेल इनबिल्ट फॉर्मूला लगाना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं सम का फॉर्मूला, सम, और हमने तीनों को एक साथ क्लिक करते हुए सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। माउस से क्लिक किया, क्लिक करते हुए माउस को मूव किया, तो सिलेक्शन हो गया मेरा, आ गया 206। ओके okay? तो अब फॉर्मूला में कोई चेंज करते हैं, जैसा मैंने चेंज किया यहाँ पे क्लिक किया तो कहीं और क्लिक, जब तक फॉर्मूला को हटाइएगा नहीं, मतलब कि एंटर मार के या एस्केप मार के बाहर नहीं निकलेगा, तब तक कहीं पे क्लिक मत कीजिए, वरना क्या होगा उसका रेंज ले लेगा वो, यहाँ पे ले लिया ना, गलत हो जाएगा। तो आप एस्केप प्रेस कर दीजिएगा तो फॉर्मूला में किसी तरह का चेंजिंग नहीं होगा और बाहर निकल आएगा। या मान लीजिए मुझे चेंज करना है तो चेंज करने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। जी सर, फॉर्मूला तो आगे मैं और भी सिखाऊंगा। अभी जो आपने देखा कि B4 D4 क्या है, बेसिकली हर सेल का एक एड्रेस है, कॉलन एंड रो। जी सर, अभी कर्सर कहाँ है, एक C12 पे है, मतलब सी रो एंड 12 कॉलम। ऐसा इसलिए हुआ ताकि देखिए, जैसे ऐसा इसलिए किया गया कि मान लीजिए A1 में 50 हमने लिखा और B1 पे हमने यहाँ पे 30 लिखा, राइट। तो मैं एक तो है कि मैं यहाँ पे इक्वल प्रेस करके 50 प्लस 30 कर दूंगा। तीसरे होता कि अगर मान लीजिए कल के डेट में 30 को 40 किया तो हमारा ये वैल्यू अपडेट नहीं होगा, तो मैं चाहता हूँ ये दोनों मेरे फॉर्मूला में लिंक हो। तो उस केस एड्रेस लेते हैं कि A1 प्लस B1, A1 नहीं प्लेस हो रहा, A1 की वैल्यू प्लस B1 की वैल्यू, अच्छा रिजल्ट आपके साथ 90 आ रहा है। कल के रेट में अगर मैं 50 को 60 कर दिया तो ऑटोमेटिकली एंटर प्रेस करते ही आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, इसलिए हम एड्रेस लेते हैं। तो हर सेल का एक एड्रेस होता है। अब बात करते हैं रेफरेंसिंग मेथड के बारे में, कि हमने यहाँ पे कुछ नंबर डालते हैं, मान लीजिए मुझे सब पे जितने भी नंबर है सब पे 20 ऐड करना है, तो मैंने इक्वल प्रेस किया इस पे प्लस 20 कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। बट ये तो एक सेल में हुआ, मुझे नीचे भी चाहिए, तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका है कि सिंपल सा कि आप उसको कॉपी कीजिए Ctrl+C, नीचे पूरा एरिया को सेलेक्ट कीजिए और फिर इसको पेस्ट कर दीजिए। तो होता है क्या है कि जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे पेस्ट होती है तो रेफरेंस इंक्रीज होता है। जैसे तो यहाँ पे A1 था ना, नीचे आ गया A2, यहाँ पे आ गया A3, A4। टॉप टू बॉटम जब जाता है तो जाता आपका रो चेंज होता है और लेफ्ट टू राइट में कॉलम चेंज होता है। जैसे कि मैं इसको कॉपी करके सी पे रखूं तो ए जो है वो बी बन जाएगा। देखिए B1। हाँ, तो एक तरीका था कॉपी पेस्ट करना, दूसरा तरीका है ड्रैग करना। इस पे कर्सर रखिए और
पॉइंट दोनों का जो यहाँ पे एक दिख रहा होगा जोड़ दिख रहा होगा ना कि मतलब कि हाँ। यहाँ पे या ज्वाइंट दिख रहा होगा कर्सर लगेंगे तो अभी देखिए आपका जो प्लस का साइन है बड़ा वाला प्लस का साइन है व्हाइट कलर का है जैसे इस पे ले जाएंगे वो ब्लैक कलर का पतला हो जाएगा ऐसा जब हो जाए तो क्लिक कीजिए और क्लिक रखते हुए नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए वो आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा हो गया तो इसमें भी आपकी आपकी जो है सेम फीचर अप्लाई होती है कि अपने आप को इंक्रीज करता है राइट लेकिन प्रॉब्लम कब आती है कि मुझे मैनुअल नहीं करना है मुझे मेरे पास D20 के ऊपर लिखा D1 के ऊपर 20 लिखा हुआ है तो मुझे अब A1 की वैल्यू में प्लस D1 की वैल्यू करना है जब लेकिन मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा कि A1 हमारा A2 होगा तो D1 में भी हमारा D2 होगा हाँ जी सर अब यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम आ गई तो हम चाहते हैं कि A1 फिक्स रहे A1 A2 रहे बट D1 फिक्स रहे तो उस केस में हम जो है क्योंकि हर एड्रेस में एक रो नंबर होता है एक कॉलम और नंबर कॉलम नंबर होता है इसमें अल्फा में अल्फाबेटिक रहता है और कॉलम नंबर न्यूमेरिक होता है तो मुझे रो नंबर जो होता है न्यूमेरिक होता है तो रो नंबर को मुझे फिक्स रखना है तो उसके आगे हम डॉलर का साइन लगा देंगे जी सर तो डॉलर का साइन लग जाएगा तो ये हमारा फिक्स हो जाएगा ए जो अब हमारा जो D1 है वो हमेशा नीचे ड्रैग करने पे D1 ही रहेगा D2 नहीं होगा बट A1 D2 D2 C2 रहेगा ताकि हमारा हर सेल का वैल्यू चेंज हो राइट Yes, डॉलर को साइन लगाने को हम इसको फ्रीज भी कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस भी कहते हैं yes, ठीक है तो आज की क्लास में हमने समझाया आपको कि सिलेक्शन कैसे किया जाए फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है एड्रेस क्या है ड्राइव कैसे करते हैं और डॉलर साइन कब लगाते हैं इतना काफी है आज की प्रैक्टिस के लिए तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कल क्लास नहीं होगी कल सैटरडे अगली क्लास मंडे होगी सैटरडे संडे ऑफ रहते सर जी हाँ आपकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होगी सैटरडे संडे ऑफ होगी या प्रैक्टिस मिलेगा या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस हो सकती है लेकिन अभी एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत आपको नहीं है हाँ जी अभी जो 3 आवर की जो हमने वीडियो 5 आवर की जो वीडियो भेजी थी उसी को देखिए एक बार और प्रैक्टिस ठीक है सर ठीक है ओके सर मंडे को सेम टाइम ओके सर रात में क्लासेस को थोड़ी स्लो मोड में लेके जा रहा हूँ क्योंकि क्या है ना कि शुरुआत में ज्यादा पाया लगूंगा तो सर के ऊपर निकलना हो जाएगा तो क्या फायदा जब आप ऑब्जॉर्व भी नहीं कर पाए हाँ जी सर तो उतना ही पढ़िए जितना आप ऑब्जॉर्व कर पाए हाँ जी सर ओके 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 सर ओके थैंक यू सर